धर्म स्नेही बब्बात्माओं, गौरझावर में हम लोग विराजमान थे। उस समय क्षेम उल्लास नगरी के लोग आए थे और महाराज आपका चतुर्मास चाहिए है, और हमने तो पत्र लिख दिया था आचार्य महाराज को, और जहाँ हमें चातुर्मास करना था वहाँ का भी हमने नाम लिख दिया था। ताली तो आप लोगों ने बजा दी लेकिन उसमें खिमलासे का नाम नहीं था। आप लोग ऐसे ही दूसरों के लिए हमेशा ताली बजाते रहोगे, आपका उच्च गोत्र बढ़ता रहेगा। अपने लिए ताली बजाओगे, अपनी प्रशंसा में ताली बजाना है ना, तो अपनी प्रशंसा में ताली नहीं बजा। और इन लोगों से कहा कि आप लोग लेट हो गए। वैसे हमारी भावना तो थी कि महाराज ने पूछा था कि कहाँ जाना है, कैसा क्या करना है, तो हमने कहा गुरुदेव ने हम लोगों को ऐसा संकेत दिया था कि अभी कुछ समय वहीं बागड़ में रुकना है, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि वहाँ से छोड़ करके यहाँ पर बड़े बाबा की शरण में आ गए। और जब यहाँ से जाने की बात हुई तो बहुत लंबा हम लोग 2 साल में चल चुके थे, 2500 किलोमीटर। तो उस समय भावना ऐसी रख दी थी कि अभी एक चातुर्मास इसी तरफ सागर जिले के आसपास, सागर के आसपास कहीं भी कर लेंगे। अब उक चतुर्मास कहाँ होना है ये तो आगे आप लोगों को पता चलेगा, अभी तो सबकी भावनाएं जुड़ती चली जा रही हैं। फिर उसके बाद 2-3 स्थानों के नाम और आए, चंदेरी का भी नाम आया था, तो विचार किया कि अब चंदेरी जाना है, थोड़ा सा खिमलासा होते हुए। जब उन्होंने कहा खिमलासा कैसा रहेगा तो हमने कहा कि खिमलासा वाले तो अभी सो रहे हैं, हम जाएंगे तो वो जाग जाएंगे, इसलिए उनको सोने दो। और फिर ऊपर से खबर आई खिमलासा वालों के लिए, क्यों सो रहे हो क्या, और ये जाग गए और पहुंच गए निवेदन करने के लिए। उस समय जब हम खिमलासा में आए थे एक वेदी प्रतिष्ठा कराने के लिए यहाँ की आए थे, और आप लोगों ने 2-2 वेदी प्रतिष्ठा आप लोगों ने एक विधान के लिए निवेदन किया था, आप लोगों ने 2-2 विधान किए थे। उस समय सब डबल डबल काम किया था और बढ़ चढ़ कर के आप लोगों ने अपनी या ये कहें कि अपने गुरुदेव की भावना को आप लोगों ने पूरा पुरसात करके सफल करने का उत्साह आप लोगों ने दिखाया। सब जगह ये संयोग नहीं मिलते, कुछ बिरले ही स्थान होते हैं जिनका तीव्र पुण्य होता है। कहा है सैले सैले न माणिक्यम मोकितम न, ये खिमलासे की ही बात है। जब मैं बहुत छोटा था स्कूल में पढ़ता था और ये श्लोक मुझे याद उस समय कर लिया था, और यहीं खेलते कूदते उसको मैं पढ़ता था, बहुत अच्छा लगता था। सैले सैले न माणिक्यम मोकितम न गजे गजे साधवो ना ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। प्रत्येक पर्वत पर माणिक्य नहीं पाए जाते, ये यथाजात दिगंबर साधु नहीं पाए, बहुत दुर्लभ।
अभी तो हम लोग खिमलासा आए हैं, और उस समय आप लोगों ने दूना काम किया था, और इस समय अगर चौगना काम करोगे तो हो सकता है आपको चातुर्मास, क्योंकि हम लोग भी चार आए हैं और चातुर्मास में भी चार माह होते हैं, तो आप लोगों को भी चौमुखी वृद्धि करना है कि नहीं। तो आप लोगों को अब उस समय की अपेक्षा से इस बार कैसा चार चांद लगाना है, क्या लगाना है? अब महाराज शुरुआत में तो सब लोग उत्साह दिखा देते हैं, और जब महाराज विहार करते हैं उस समय भी छोड़ने वालों की संख्या कम नहीं रहती, लेकिन बीच में उत्साह में कुछ डगमगी होने लगती है। अभी तो हम लोग देखते हैं आप लोगों का कैसा उत्साह है, और इस उत्साह को देख करके अगर अपनी तपनी जम गई, ये लोग कह रहे हैं महाराज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, अपनी तो पहले से ही जमी हुई है, और इन लोगों ने उस समय बहुत संख्या में जाप का संकल्प लिया था, वही इन लोगों का जाप आज इनकी भावनाओं को पूर्ण करने वाला। ऐसे ऐसे लोग जो कभी धर्म की ओर भी नहीं बढ़ते थे, उनको भी जाप दिया महाराज, हम तो जब भी जाप देते थे यही भावना थी कि महाराज का हमें चातुर्मास। कुछ लोगों ने अपनी भावना रखी, अभी भी फेर रहे हैं, कर रहे समय बहुत हो गया है, आप लोग अभी श्रीपल तो चढ़ा गए हैं, तन से मन से धन से हम सब समर्पित होंगे। देखते हैं ये खिमलासा है, ये क्षेम उल्लास नगरी है, यहाँ की गूंज पूरे भारतवर्ष में पहुँचना चाहिए। तब तो अभी सुनते हैं ये क्षेम उल्लास नगरी है, और यहाँ पर राजा महाराजों की नगरी रही है, लेकिन जो खिमलासा की नगरी है वह खिमलासा नगरी है, जो खिमलासा की प्रजा है वह अभी बिना राजा के ही राज्य कर रही है। सुन रहे हैं आप लोग, सभी जगह राजा रहते हैं, यहाँ किला तो है, प्रजा है, हैं? लेकिन राजा नहीं है। राजा मंत्री आदि होते हैं, फिर और उसकी सारी सुव्यवस्थाएँ सब कुछ बनती चली जाती है। हमारे आशीर्वाद से हुई है, गुरु महाराज तो आपको आशीर्वाद देके गए, वह एक दिन इस भव का नाश करता है। आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि गुरु प्रसन्नम बनिया प्रसन्नम कौड़ी छदानम, राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, गुरु प्रसन्नम मुक्ति प्रदानम। गुरु अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति आज तक जिन लोगों को हुई गुरु की ही प्रसन्नता से हुई है। उस समय बीजारोपण हुआ था 24 समूषण का, वह भी काम चल रहा है, और अब हमने इस तरफ मुख कर लिया है तो वो भी स्पीड 4 महीने के अंदर पूरा कर दोगे कि नहीं, बोलो खिमलासे वाले, अभी पूछ लेते हैं, कर पाओगे कि नहीं 4 महीने के अंदर पूरा? हैं, आवाज़ नहीं आ रही, अभी तो कोई ढीलत लग रहा है। अगर 4 महीने के अंदर पूरा कर दिया, और अगर दिवाली के दिन, दिवाली के बाद पंच कल्याणक के लिए तैयार हो तो बोलो, नहीं तो आगे की रास्ता भी अपन के लिए है। अभी चिंता नहीं करो, महाराज आ गए तो अब चतुर्मास इनका हो ही जाएगा। ये बिल्कुल
अपने अंदर नहीं रखना, क्योंकि जाट मरो जब जानियो जब जब तक कलशों की स्थापना नहीं हो रही है तब तक चतुर्मास निश्चित नहीं मानना। यद्यपि गुरु आचार्य महाराज ने हमें खिमलासा ही भेजा है, लेकिन चतुर्मास तो जब ही होता है जब यहाँ पर कलश स्थापना हो जाती है। आप लोग किस प्रकार से अपना पुरुषार्थ करते हैं वो पुरुषार्थ के ऊपर है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की मूक माटी को पढ़ना प्रारंभ किया, 24 घंटे के अंदर वह पूरी मूक माटी पड़ गया। जैसे उपन्यास किसी के हाथ में लग जाता तो पी जाता है, ऐसे उस मूक माटी को पूरा पढ़ता गया और उसने एक ग्रंथ की रचना कर दी, ऊर्ध रेता। वो व्यक्ति जैन नहीं जैनेतर था। आप लोगों की भक्ति कितनी है हम सब लोग जानते हैं, कितनी भक्ति आप लोगों की होती है वो तो आप लोग प्रदर्शन में ज़्यादा, दर्शन बहुत कम दिखता है। और उस व्यक्ति के अंदर दर्शन था, कितना अंदर घुस गया उस उनकी कवि को आत्मसात करता गया और एक पुस्तक लिख दी, कितनी गहराई होगी। बंधुओं, जिस दिन इस धर्म के अंदर दर्शन घुसेगा, प्रदर्शन कम होगा, उतनी जल्दी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाओ। एक सियार ने नियम लिया, कौन था देखने वाला, कैसा उसने पालन किया, और कोई नहीं है दुनिया में देखने वाला। चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग करने वाला वह मर गया, वहीं पर कुएं पर पड़ा हुआ है, लेकिन धर्म की रक्षा करते हुए मरण को प्राप्त हुआ और अगले ही भाव में सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। ये है जैन धर्म। ऐसे उन गुरुदेव के द्वारा हम लोगों के लिए क्या नहीं दिया गया, रत्नत्रय के साथ साथ उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसे महान ग्रंथ, धवला जय धवला, बड़े बड़े ग्रंथों का समय सार, प्रवचन सार, समय सार आदि आदि ग्रंथों का अच्छी तरह से आलोड़न कराया और गुरु के मुख से पंक्तियाँ निरंतर निकलती रहती थी। प्रतिदिन हम लोग सुनते थे, भिक्कम चर्वस रन्ने थोवम जे में ही माँ बहु जंप, दुखम सहजे निद्दा मैत्री भावेण सुट्ठुभे रक्कम। साधु कैसा होना चाहिए, भिक्कम च भिक्षाचर्या जैसी आगम में कही गई है, पानी पात्र में नौ कोटि से विशुद्ध अंतरायों को टालते हुए, और जब वह साधु ग्रहण करता है तो वह साधु पद के लायक होता है और उसी पर वह सुशोभित होता है। तो भिक्षा से जैसा आगम में कहा गया है उसके अनुसार भिक्षा करो। वसरन्ने, अरण्य में वास करो। अरण्य जानते हैं, जंगल होता है। उस समय कुंद कुंद भगवान के समय में साधु जंगल वास करते थे, क्योंकि उस प्रकार की शक्ति उनके अंदर थी। धीरे धीरे वह शक्ति घटती गई और गुणभद्र महाराज ने लिखा, हाँ इस कलिकाल में खेद है कि मुनिराज जंगल में रहते थे, आज उनके लिए नगर के पास में आकर के वसना पड़ रहा है। धीरे धीरे जब शिव कोटि महाराज हुए, उन्होंने रत्नमाला लिखी और उन्होंने कहा, कलौ काले वने वासे वर्जयेत मुनि सत्तमहि सत्तमः। उन्होंने कह दिया
इस कली काल में अब मुनिराजों के लिए वन में नहीं रहना, वन में रहना उनके लिए वर्जित कर दिया। फिर कहाँ रहना, तो कहा स्थीयते च जिनागारे ग्रामादिषु विशेषता, या तो जिनालयों में रहो, ग्राम आदि में रहो, ग्रामादिषु ग्राम आदि में रहो तो तुम्हारी चर्या बहुत अच्छी तरह से पालन होगी, यही अरण्य में बसना है। भिक्कम चर बसरण्य थोवम जे में ही थोड़ा जीवो, अति मात्रा में भूषत वत करना। माँ बहु जंपा ज्यादा मत बोलो। हमारे गुरुदेव ने इस श्लोक को, इस गाथा को ऐसा अंदर आत्मसात किया और प्रायः उनकी चर्या बनी रही। और अरण्य में क्या, वो तो ऐसे क्षेत्रों पर प्रायः रहने वाले थे और अल्पभोजी थे और अल्पभाषी थे, थोड़े ही सूत्रों में सबका काम हो जाता था। बस बड़े बड़े नगरों के लोग गए और उन्होंने अकेला इतना ही कह दिया, हाँ हाँ आशीर्वाद है देखो, बस इस देखो में संतुष्ट होकर के आ जाते थे। अब देखो का अर्थ क्या होना है, अब हम भविष्य में देखेंगे, उनको देखने मिल जाता था। और आगे कहा कि दुखम सह, दुखों को सहन करो। जो दुखों को जितना सहन करता है वही अपनी चर्या को स्थित रख पाता है। आचार्य भगवंत ने बड़े बड़े दुखों को पी गए, बड़े बड़े परिषय उपसर्गों को सहन कर गए और अंत अंत में भी उन्होंने कैसा परिषय, रोग परिषय सहन करते हुए और यहाँ से ऊपर की ओर उनका विहार हो गया। चूँकि वह अनियत बिहारी थे, एक बार हम लोग तिलवाड़ा में थे, रविवार का दिन था, प्रवचन का समय था और सभी लोगों ने कहा कि अब प्रवचन के लिए चलना है और घंटी बज गई, सभी लोग अपनी पुस्तक जो भी डायरी लेकर के खड़े हो गए और नीचे जैसे आए और पूछा कहाँ हैं आचार्य श्री, तो कहते हैं आचार्य श्री तो मंदिर में पहुँच गए। और फिर थोड़ी देर बाद देखा कि मंदिर करके आ रहे हो दे, फिर पूछा कि आचार्य श्री कहाँ हैं, कि मंदिर से बाहर निकल गए, विहार हो गया। हम लोगों को भी पता नहीं कब कहाँ आचार्य भगवान चले जाएं, ऐसी उनकी चर्या रही है, ऐसी अद्वितीय चर्या के धारी आज मिलना बहुत दुर्लभ है।